फरमाते हैं कि एक कौवे ने आकर जमीन को कुरेदी और दूसरे कौवे को मार, दूसरा कौवा मरा हुआ था, वो मरा हुआ कौवा उस गड्ढे में डाल दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दी, उसके जहन में आ गए तो बहुत अच्छी तरकीब है, लेकिन दफन करने का तरीका है तो मारूंगा कैसे। तो शैतान ने आकर के सांप लाया और सांप जब चल रहा था तो उसने पत्थर उठाकर सांप के सर पर मारा, तो सांप पर गया। उसने इसी से आइडिया ले लिया, तो हाबील जब सोया हुआ था तो काबील गया और पत्थर उठाकर उसके सर पर मारा और वह चमक गया। अब मसला ये दफन कैसे करेंगे, तो कौवे ने जैसे उसको अपने दूसरे कौवे को मिट्टी के अंदर दफन कर दिया था, इस हाबील ने भी ऐसा ही किया। कुरान करीम अल्लाह ताला फरमाते तो अब मुझे उसकी सारी तफसील उस पर बयान नहीं करनी है, मगर तारीखी तौर पर यह बात तय है कि सबसे पहली कुर्बानी इस कायनात में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों हाबील और काबील ने दी है, और हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई, काबील को कुर्बानी रद्द हो गई, उसका तस्करा कुरान करीम में। तो तारीखी तौर पर पहली कुर्बानी यह है और कुरान से साबित। तारीखी तौर पर दूसरी अहम तरीन कुर्बानी और वही असल में कुर्बानी की बुनियाद बनी वह है इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुढ़ापे में थे, औलाद नहीं थी, और इसलिए बड़ी तलब थी कि या अल्लाह मुझे औलाद होनी चाहिए। और यह बात जहन में रहनी चाहिए कि नबी के पास अगर दौलत भी होगी तो वो कभी दौलत नहीं मांगेंगे, नबी के पास ओहदा नहीं होगा वो ओहदा भी नहीं मांगेंगे, नबी को अगर कोई मुश्किल होंगे तो मुश्किल में वो घबराएंगे भी नहीं, लेकिन औलाद अगर नहीं होगी तो नबी औलाद ज़रूर मांगेंगे, और वो अपनी ज़ात के लिए नहीं, वो इसलिए औलाद मांगते थे कि उनका मिशन आगे चले। चुनाचा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने औलाद मांगी और दुआ कुरान में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी वो दुआ कुरान करीम में, तो इब्राहिम मुसलसल दुआ कर रहे हैं, बुढ़ापा आ चुका है और उम्मीद अब है नहीं दुआ औलाद होने की, लेकिन अल्लाह ताला सामने औलाद अता कर दी, पहला बच्चा हुआ इस्माईल, दूसरा बच्चा हुआ इसहाक। तो बड़ी तमन्नाओं के बाद, बड़ी आरजुओं के बाद, बड़ी दुआओं के बाद अल्लाह ने ये औलाद अता की, और शुक्राने के तौर पर कहा करते थे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबली अलल किबर इस्माईल व इसहाक, हम्द व सना उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माईल और इसहाक दो बच्चे अता कर दिए। अब इतनी तमन्नाओं के बाद ये बच्चा मिला है तो कितना प्यारा होगा, और साथ में उम्मीदें वाबस्ता हैं कि मेरा मिशन यानी नबूवत का काम आप यही चलाएगा, जाहिर वो नबी बने भी बाद में, इस्माईल अलैहिस्सलाम भी नबी बने, उनके दूसरे बेटे इसहाक वो भी नबी बने। तो अब गोया तमन्नाएँ, दुआएँ, आरजुएँ और मुस्तकबिल में इनका मिशन संभालने वाला बच्चा मिल गया, लेकिन इस ऐसी सूरत में अल्लाह ताला शान ने हुक्म दिया बच्चों को ज़बह करो, और मुश्किल हो गई। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं इन हादा लहुल बलाउल मुबीन, बड़ा सख्त इम्तिहान है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में, मैंने उसको आजमाया मगर बहुत सख्त इम्तिहान दिया, उस सख्त इम्तिहान में से एक इम्तिहान यही था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सारी हिस्ट्री से बयान नहीं कर रही है, लेकिन ये ज़हन में रहना चाहिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शख्सियत वो है कि जो यहूदियों के यहाँ भी मुसल्लमा शख्सियत है, ईसाइयों के यहाँ भी मुसल्लमा शख्सियत है, और अरब के मुशरिकों के यहाँ भी वो मुसल्लमा शख्सियत थी, और हम मुसलमानों के लिए तो नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अकेला वो नबी है जिसको चार बड़ी कौमें एक साथ मानती हैं, मुसलमान भी, मक्के के मुशरिकीन भी, यहूद व नसारा भी। इसीलिए तौरात में भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तस्करे खूब हैं इब्राहिम के नाम से, आपने नाम सुना होगा इब्राहिम लिंकन, ये वही लफ्ज़ है इब्राहिम व इब्राहिम। तो गए इब्राहिम की शख्सियत उनके यहाँ भी है, ईसाइयों के यहाँ भी है, इस्लाम के अंदर तो है ही है, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम के औलाद में से। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सर शख्सियत मुसलमा शख्सियत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यहूदी मानते हैं, ईसाई नहीं मानते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाई मानते हैं, यहूदी नहीं मानते। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न यहूदी मानते हैं न ईसाई मानते हैं। हम हर नबी को मानते हैं क्योंकि हमारे नबी का हुक्म है और अल्लाह का हुक्म है, हर नबी को तुम तस्लीम करोगे, इसलिए हम तो हर नबी को मानते हैं, लेकिन दीन सिर्फ अपने नबी का होगा। बच्चा हर औरत के गोद में जाएगा लेकिन दूध अपनी माँ का ही है, इसलिए हम हर नबी को मानते हैं, लेकिन दीन हमारा होगा वही जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सख्त इम्तिहान अल्लाह ताला शान ने किया कि जो बेटा इतनी तमन्नाओं के बाद मैंने तुम्हें अता किया था इसको ज़बह करो। एक दिन ख्वाब आया, सोचने लगे ख्वाब का मतलब क्या हो सकता है, फिर दूसरी दफ़ा ख्वाब आया, फिर सोचने लगे ख्वाब का मतलब क्या हो सकता है, बेटा ज़बह कर। तीसरी मरतबा साफ साफ हुक्म आया बेटा ज़बह करो। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा में उनकी वालदा से बच्चा ले करके रवाना हो गए, और वालदा से क्या कहा, बहरहाल बच्चा ले करके निकल गए, रस्सियाँ साथ ली, छुरी के साथ।
और ये मक्का मुकरमा, और बड़ी अजीब बात यह है कि इस वक्त उसी मक्का मुकरमा में लाखों हाजी रमी करने के लिए हैं। इस वक्त भी अभी सुबह से अब तक तकरीबन 10 मून वहाँ से आए, हम रमी किस वक्त करेंगे, हमें शैतान को कंकर किस वक्त मारने, तो इस वक्त रमी चल रही होगी वहाँ, या कुछ लोग कर रहे होंगे, कुछ बाद में करेंगे। तो उसी मिना के मैदान में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को लेकर के गए, बच्चे को नहीं मालूम है कि मुझे क्यों ले जा रहे हैं, और वहाँ जब पहुँचाया तो अब इब्राहिम साहब ने कहा बेटा अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि तुझे ज़बह करो, तुम क्या कहते हो। इस्माइल अलैहिस्सलाम जवाब में जो बात कही है इंसानी तारीफ को शायद कोई नहीं कह सके, उन्होंने कहा अबाजान अल्लाह का हुक्म है मैं तैयार, अगर अल्लाह का हुक्म है तो मैं तैयार। अल्लाह मेरे भाई, ये बोलना भी आसान है सुनना भी आसान है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली हमको ऐसा इम्तिहान आ जाए तो शायद शायद करोड़ों में से कोई एक इंसान ही मुश्किल से तैयार होगा इसके लिए। अल्लाह ने हुक्म दिया अपने उस बेटे को ज़बह कर दो अपने हाथ से, जो बेटा इतनी तमन्नाओं के बाद मिला है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तैयार हो गए। उसको कुरान ने कहा कि अलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैना या इब्राहिम कद सद्दक्ता रुया इन्ना कदालिक नजिल मुहसिनीन इन हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे को लिटाया और लिटाने के बाद ज़बह करना चाहते थे तो हमने फौरन कहा इब्राहिम बस हम ये देखना चाहते, हमारा मकसद ये ना था कि तुम्हारे बच्चे की गला का गला कट जाए, हमारा मकसद ये देखना था कि तुम हमारा हुक्म पूरा करने को तैयार हो या नहीं। इस्माइल अलैहिस्सलाम पर बहुत शायरी हुई है, अल्लामा इकबाल का बड़ा मशहूर शेर है कि ये मकतब की करामत थी, ये फैज़ान नज़र था कि मकतब की करामत थी, सिखलाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्ज़ दी। वाकता इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया अल्लाह ने तो अपने बेटे को ज़बह करो, ये इब्राहिम की कुर्बानी थी, और इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या हुक्म तो नहीं है क्योंकि अभी तो वही ऊपर आई नहीं, लेकिन उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया, ये नहीं कहा अबाजान आप ऐसा क्यों करें, रोना शुरू कर दें, चीखना शुरू कर दें, चुप नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जवाब में कहा कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो मैं तैयार हूँ, और सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिन साबरीन, अबाजान जब आप ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं बेसब्री नहीं करूँगा, मैं चीखो पुकार नहीं करूँगा, मैं बर्दाश्त करने वालों में सब्र करने वालों में हूँ, ये नहीं कहा मैं सब्र कर, बल्कि बड़े बड़े जो सब्र करने वाले हैं मैं भी उन्हीं में शामिल हो जाऊँ, सत्तजिदुनी इंशाअल्लाह मिन साबरीन। बहरहाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंखों पर पट्टी बांधी, बच्चे को लिटाया, छुरी उनके गले पर चलाई, जब उनको महसूस हुआ कि शायद गला कट चुका है, महसूस हुआ गला कट चुका है, उसके बाद मगर साथ में सोचते रहे ये तड़पा क्यों नहीं, ये हरकत क्यों नहीं हुई, उसके बाद जब पट्टी खोल कर देखी तो हैरान हो गए, वो मंजर ही दूसरा था, बस यहाँ इंसान अपनी अकल से उसको समझ नहीं सके कि हुआ क्या है। यहाँ अगर हमें सिर्फ बात माननी है कि ऐसा हुआ है, कैसे हुआ है, ये अकल में आने वाली बात नहीं है, और मानना इस वजह से कि कुरान ने अल्लाह बयान करना है। दुनिया में बेशुमार चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इंसान आँख बंद करके मानने पर मजबूर है, और अगर अकल से पूछेगा तो अकल उसको तस्लीम नहीं करती, खिलाफ अकल होता है मगर मानने पर इंसान मजबूर होता है, उसका बगैर कोई चारे का। गाय के पेड़ से बच्चा बाहर आ गया, हम अपनी अकल से अगर हिसाब लगाएंगे तो जिस रास्ते से ये बाहर आया है वो रास्ता बहुत तंग है, और जो बच्चा आया है वो बच्चा बहुत बड़ा है, अब हम कैलकुलेशन लगाएंगे ठीक, तो अकल कहेगी ये नहीं हो सकता। अगर हम कहेंगे साहब ये है बछड़ा और ये है गाय, और जिस रास्ते से ये बाहर आया है वो रास्ता आपके सामने है, क्या ख्याल है, अकल क्या कहती है, क्या इतना बड़ा बच्चा इतनी बड़ी बॉडी इस रास्ते से बाहर आ सकती है, अकल कहेंगे नहीं आ सकती, तो फिर क्या करेंगे आप, कहेंगे बछड़ा तो सामने, बछड़े का इनकार नहीं कर सकते। सैम इसी तरह से एक अंडे को मुर्गी के नीचे रखा गया 21 दिन, 21 दिन के बाद अब हम क्या कहेंगे, अकल से पूछेंगे 21 दिन के अंदर ये अंडा क्या बनेगा, लेकिन जवाब है कि 21 दिन के अंदर इस अंडे से एक पूरा जानवर निकल कर आया, उसका उसकी पूरी बॉडी है, ये चूजा होगा या जितने भी बर्ड्स हैं जितने भी परिंदे हैं उन तमाम परिंदों के पैदा होने का सिस्टम यही है, क्या सिस्टम है कि अंडे के अंदर कुछ दिनों के अंदर जानवर तैयार हो जाता है। अब वो अंदर मैकेनिक कौन है, अंदर स्पेयर पार्ट कहाँ से आए, अंदर इंजीनियर कौन है, कलर स्कीम चलाने वाला कौन है, वो हड्डियाँ कैसे तैयार हो रही हैं, उन हड्डियों की सेटिंग फिटिंग कौन कर रहा है, ये अकल में आने वाली चीज़ तो रही नहीं, लेकिन 21 दिन के अंदर हम देखते हैं कि एक मुर्गी के नीचे
20-30 अंडे रखे गए थे और वो 20-30 अंडे जो इनको बाहर आ गए और हर एक अंडे के अंदर से चूजा निकला, सबका कलर अलग और लेकिन सारी चीज़ें एक ही जैसी, ये पंजे कैसे बने? अब हम कहेंगे 21 दिन में तो नहीं हो सकता ये सब, आप नहीं मानते, लेकिन है क्योंकि चूजे सामने। तो दुनिया की बहुत सारी चीज़ें वो हैं कि जो इंसान को माननी पड़ती हैं, अकल में वो आएँ या ना आएँ, आगे चल करके अकल में भी आ जाती हैं। खैर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब पट्टी खोल कर देखी तो देखा कि इस्माइल तो अलग खड़े हैं, कपकपा रहे हैं और ज़बह शुदा है एक जानवर जिसके गर्दन कटी हुई। ये जानवर कहाँ से आया? तो जवाब तफसीरों में आता है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, तुम जन्नत से दुब्बा ले जाओ और दुब्बा ले जा करके इब्राहिम के हाथ में दे दो और बच्चा उसे निकाल लो। तो बच्चा उसके हाथ से लिया, उन्होंने जब पट्टी बांधी है तो पट्टी बांधते बांधते शायद इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटा दिया गया और सामने दुम्बा रखा गया और उन्हें जब छुरी चलाई है तो वो इस्माइल पर नहीं उसके गले पर चली। तो आज जब पर्दा हटा करके देखा तो दुम्बा कटा हुआ था, ये जन्नत से आया हुआ कबशा था। जिस जगह मीना में ये वाकया हुआ है उस जगह आज मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम ही मस्जिद कबशा। और बड़ी दिलचस्प बात है कि आज सुबह मुझे एक भाई ने फ़ोन किया, यही कश्मीरी है, कह रहा मेरे साथ मस्जिद कबशा के पास। बस इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये कुर्बानी इंसानी तारीख का दूसरा अहम तरीन वाक़िया है जिसमें बाप ने अपने बेटे को ज़बह किया। उसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम वापस आ गए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि मैं अल्लाह के नाम पर दो ज़बह होने वालों का बेटा, अल्लाह के नाम पर दो ज़बह होने वालों का बेटा हूँ, एक इस्माइल और दूसरा इब्राहिम, हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम के वारिद किराम। तो कुर्बानी की तारीख का ये दूसरा वाक़िया है, मज़ीद तफ़सील का वक्त नहीं है। उसके बाद और आगे जब दौर चलता है तो उसके बीच में और बहुत सारी कुर्बानियां हैं, लेकिन उनको मैं इस बयान न करके हुए आगे अर्ज करता हूं कि तीसरी बहुत बड़ी कुर्बानी जो है वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्लाह की तरफ से कुर्बानियां हुई। और तारीख उसकी ये है कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के जो दादा थे उनका नाम था अब्दुल मुत्तलिब, और अब्दुल मुत्तलिब का असल नाम है शैबा, अब्दुल मुत्तलिब नाम नहीं है, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब के भाई मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब का भाई मुत्तलिब, ये उनको मदीना से लाए। हाशिम का एक बेटा है शैबा, हाशिम का दूसरा बेटा है मुत्तलिब। हाशिम की वफात हो गई, मुत्तलिब मदीना गए और मदीना से अपने सोतीले भाई, दूसरी माँ का बच्चा था ये, अपने सोतीले भाई शैबा को लेकर के आए। मुत्तलिब अपने सोतीले भाई हाशिम के बेटे को मदीना से मक्का लाए। ये मदीना में क्यों थे उसके अलग तारीख है। तो जब वो मक्का मुकरमा दाखिल हो गए तो ये बच्चा बहुत अजीब था, बहुत खूबसूरत, बड़ी खूबियों का मालिक था, तो लोगों ने मोहब्बत में उसको कह दिया अब्दुल मुत्तलिब, हालांकि उसका असल नाम था शैबा। नौजवान लड़के हैं याद रखेंगे, ये तारीख बता रहा हूँ मैं, तफसील का वक्त नहीं है, आइंदा कभी किसी वक्त में तफसील से इंशाल्लाह बयान करूँगा कि अब्दुल मुत्तलिब जिसका असल नाम था शैबा, वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं। यही अब्दुल मुत्तलिब मक्का मुकर्रमा के बाद में सरबरा बने। इस अब्दुल मुत्तलिब ने, इस अब्दुल मुत्तलिब के से ज़माने से कुछ पहले जमजम का पानी गायब हो गया, उसमें एक सैलाब आ गया और सैलाब की वजह से सारे हरम में रेत और बाजरी आ गई तो जमजम का पानी गायब हो गया। जगह जगह तलाश करते थे वो लेकिन नहीं मिलता था। तो अब्दुल मुत्तलिब ने जब वो सरबरा बन गए खाने काबा के, तो अब्दुल मुत्तलिब ने खाने काबा में खड़े होकर कहा, या अल्लाह अगर जमजम का पानी मिल गया, मैं तलाश शुरू कर रहा हूँ, अगर जमजम का पानी मिल गया और मेरे 12 बेटे हुए तो एक बेटा मैं आपके नाम पर ज़बह करूँगा। ये नीयत की अब्दुल मुत्तलिब ने और खुदाई शुरू हो गई। थोड़ी सी खुदाई की और जमजम निकल गई, बड़ी खुशी हो गई। अब गोया उन्हें नजर मानी है, बड़ी खुशी हो गई, नजर मानी है। चुनाचे जब 12 बेटे अल्लाह ने अता फरमाए तो एक दिन अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के सहन में सोए हुए थे या हतीम में सोए हुए थे, तो ख्वाब उनको आया कि तुमने जो नजर मानी है वो पूरी क्यों नहीं कर रहा। बेदार हो गए, बेदार होने के बाद उन्होंने कहा, भाई मुझे तो नजर पूरी करनी है और मुझे अपना सबसे प्यारा बेटा अल्लाह के नाम पर ज़बह करना है। और सबसे प्यारा बेटा और सबसे खूबी वाला बेटा उसका नाम था अब्दुल्ला, जो हुजूर के वालिद। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटा हजरत अब्बास भी हैं, ताली अबू तालिब भी हैं, हजरत हमजा भी हैं, अबू लहाब भी हैं, ये सारे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे। अबू लहाब की तारीख सबको मालूम है, हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की तारीख भी सबको मालूम है, ये सब अबू अब्दुल मुत्तलिब की औलादें। और सबसे प्यारा बेटा जो था वो अब्दुल्ला था, खूबियों की वजह से, और वो खूबियाँ बहुत सारी थी, लिहाजा अब्दुल मुत्तलिब ने तय किया कि मैं अब्दुल्ला को अल्लाह के नाम पर ज़बह करूँगा।
जो ही ये खबर फैल गई चारों तरफ से वावेरा हो गया, मदीने से पूरा वफद आ गया। कहने लगा हमने सुना तुम अब्दुल मुत्तलिब को ज़बह कर, अपने बेटे को ज़बह करने वाले। उसने कहा ये ताया मुझे करना है क्योंकि मैंने नज़र मानी थी और नज़र मुझे पूरी करनी है, 12 बेटे अल्लाह ने मुझे दे दिए, ज़मज़म का पानी मिल चुका है, इसलिए मुझे ज़बह करना है। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम एक तरफ से 10 ऊँट रखेंगे, एक तरफ से अब्दुल्ला को रखेंगे और कुरा डालेंगे, फिर देखेंगे किसके नाम पर कुरा। तो कुरा जब डाला गया तो 10 ऊँटों ने अब्दुल्ला का नाम निकाला। उन्होंने कहा ठीक है 20 ऊँट रखते हैं, तो 20 ऊँट रखे और इधर से अब्दुल्ला, फिर कुरा डाला गया तो अब्दुल्ला का नाम निकला। फिर 30 ऊँट रखे गए, फिर कुरा डाला गया तो अब्दुल्ला का नाम निकला। इस तरह से 10 बढ़ते गए यहाँ तक कि 100 ऊँट हो गए, फिर जब कुरा डाला तो ऊँटों का नाम निकला। तो लोगों ने कहा बस ठीक है अब हम अब्दुल्ला के बदले में 100 ऊँट ज़बह करेंगे। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि नहीं, ये तो बायदीदे हो गया, 9 मरतबा जब अब्दुल्ला का नाम निकला है, 9 मरतबा अब्दुल्ला का नाम निकला है, 1 मरतबा ऊँटों का नाम निकला, तो इसकी बुनियाद पर ऊँटों को नहीं मैं दोबारा करूँगा। दोबारा किया फिर ऊँटों का नाम निकला, फिर तीसरी मरतबा किया फिर ऊँटों का नाम निकल गया। उसने कहा बस ठीक है अब मैं समझ गया कि अल्लाह का मंशा ये 3 मरतबा को अंदाजी से ये फैसला हो गया। तब अब्दुल्ला को छोड़ दिया गया और उनके बदले में 100 ऊँट ज़बह हो गए अब्दुल्ला के बदले में। तो वह अब्दुल्ला के बदले में 100 ऊँट ज़बह हुए और इस्माइल के बदले में जंगल का दुम्मा ज़बह हुआ। ये दोनों अल्लाह के नाम पर ज़बह होने वाले हैं मगर बदले में अल्लाह ने दूसरी चीज़ कबूल कर ली। इसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं अल्लाह के नाम पर ज़बह होने वाले दो साहिबजाद दो शख्सियात का बेटा हूँ, आना इब्न ज़बीहतैन, अल्लाह के नाम पर ज़बह होने वाले दो शख्सियात का मैं बेटा हूँ। इसके बाद हुज़ूर का ज़माना शुरू हो गया। अल्लाह के नबी आसम के ज़माने में वह कुर्बानियाँ होती रहीं। उन कुर्बानियों में सबसे अहम तरीन तारीख कुर्बानी की कौन सी थी, जब खुद जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मीना के मैदान में 100 ऊँट कुर्बान किए और इस शाम के साथ कुर्बान किए थे कि हर ऊँट खुद आगे आता है। हम चूँकि ऊँटों की सोसाइटी में नहीं है, इसे ऊँटों की आदतें ऊँटों का मिजाज ऊँटों की चीज़ें हमें मालूम नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि ऊँट बहुत हसास जानवर है। इसलिए हुक्म दिया गया कि एक जानवर के सामने दूसरा जानवर ज़बह मत करना, जानवर महसूस करता है कि इसलिए जब ऊँटों को ज़बह करने के लिए ले जाते हैं तो ऊँट नहीं चलते, बहुत मारना पड़ता है, बहुत खींचना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से ऊँट ज़बह की जगह पर पहुँचता है। वो मंजर हमने खुद भी देखा कि कितना मुश्किल है ऊँट को ज़बह की जगह पर लाना, ऐसा लगता है जैसे उसे महसूस होता है मुझे मारने ले जा रहा है तो निकलता नहीं है ऊँट, बल्कि बार दफ़ा हमला भी कर देता है और हमला करता है तो वो जान का खतरा हो जाता है क्योंकि ऊँट जब हमला करता है तो इंसान का सर उठा लेता है। लेकिन जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटों की कुर्बानी शुरू की तो हर ऊँट खुद आ गया। 63 ऊँट हुज़ूर ने कुर्बान किए और उसके बाद फिर बकिया ऊँट हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के हाथों से ज़बह हुए थे। 100 ऊँटों की कुर्बानी अल्लाह के नबी अकरम ने मीना के मैदान में की है। उसके बाद फिर कुर्बानी, ये कुर्बानी की मुख्तसर सी तारीख है। अब देखिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सवाल किया गया, या रसूलुल्लाह मा हाज़िल अज़ाया, ये कुर्बानी क्यों है? तो आपने फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे अबाजान इब्राहिम की सुन्नत। अब यहाँ से आगे असल मज़मून शुरू होता है जो अफसोस के तफसील से बयान नहीं हो सकता है, इख्तसार के साथ मैं अर्ज़ करता हूँ। कुर्बानी हमसे ये चाहती है कि तुम्हारा मिजाज ऐसा होना चाहिए कि एक तरफ से अल्लाह और अल्लाह के नबी का हुक्म आए और एक तरफ से तुम्हारा नफ्स हो, तो नफ्स कुर्बानी दो अल्लाह और अल्लाह के हुक्म पूरा करो। एक तरफ से अल्लाह और अल्लाह के नबी का हुक्म होगा और दूसरी तरफ से तुम्हारा कोई मफाद होगा। मफाद का तकाजा यह है कि अल्लाह और अल्लाह के नबी का हुक्म तोड़ दो और मफाद पूरा करो, और अल्लाह और अल्लाह के नबी का हुक्म का मुतालबा हक यह होगा कि तुम मफाद की कुर्बानी दो और अल्लाह और अल्लाह के नबी का हुक्म पूरा करो। कुर्बानी का मैसेज ये है कि जब हमारे सामने दो रास्ते आए, एक तरफ से अल्लाह और अल्लाह के नबी का हुक्म है और एक तरफ से कुछ और है, ये कुछ और कौन हो सकता है? ये कुछ और नफ्स, शैतान, माहौल, ऑर्डर, किसी का हुक्म, कोई प्यारे का हुक्म, किसी इंसान के खातिर या अपने लिए हम ये करेंगे चाहे अल्लाह के नबी का हुक्म टूट जाए, बस ये है कुर्बानी। अगर कुर्बानी का सही मिजाज पैदा हो गया तो इंसान क्या कहेगा कि साहब मेरा दिल तो नहीं मानता है कि मैं अपने बेटे को ज़बह करूँ मगर अल्लाह का हुक्म है मैं करने के लिए तैयार। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हुक्म, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अमल हमें बताता है कि तुम्हें ज़िंदगी में कदम कदम पर दो रास्ते आएंगे। उन दो रास्तों में मैं आसान वाली मिसाल अर्ज़ करता हूँ जो इस वक्त हमारे समाज में आम है, हमारे नहीं पूरे आलम में वो आम है। ये जो हाथों में आईफोन आया, आप रात के अंधेरे में कमरे का स्विच ऑफ है, आप जो चाहें सो देख सकते और न चाहें तब भी शायद उसमें आता होगा, न जाने क्या क्या, आप कुछ और देखना चाहते हैं उसमें कुछ और भी आएगा,
वो कुछ और क्या क्या होगा उसकी कोई हद ही नहीं है। तो वो कुछ और क्या क्या होगा उसमें कुछ कोई हद ही नहीं है। अब आपको देखने वाला कोई नहीं, एक तरफ से हो सकता है नफ्स कहे देखो और उधर से कहकर नहीं ये मत देखो। अल्लाह कहते हैं मैं तेरी आंख की खैर को देख रहा हूँ, तुम क्या लाइक कर रहे हो, क्या शेयर कर रहे हो, किस चीज को देखकर मजे उठा रहे हो, मैं देख रहा हूँ। मैंने तुमको आंख इसलिए नहीं दी कि ये सारी चीजें तुम देखो, मैंने तुम्हें कान इसलिए नहीं दी कि ये सारी चीजें तुम सुनो, मैंने तुमको खुशी महसूस करने की सलाहियत दी है मगर ये हराम चीजें देख करके तुम खुशी महसूस मत करो। अब इम्तिहान दो है, ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी सारी रात वही देखता रहा, और ऐसा भी हो सकता है वो कहकर नहीं साहब मैं तो किसी भी हाल में नहीं देखूंगा क्योंकि मेरे लिए कुर्बान यही है। मेरे भाई जज्बात की कुर्बानी देना, ख्वाहिशात की कुर्बानी देना, मफादात की कुर्बानी देना अल्लाह और अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और कुर्बानी यही हमको सिखाती है, अगर तुमने बड़ी मोहब्बत के साथ जानवर पाला और पोसा और वाकईतन असली कुर्बानी वही है, असली कुर्बानी यह है कि इंसान आज ही जानवर खरीदे, पूरे साल उसको पाले और बड़ी मोहब्बत के साथ पाले कि अगले साल उसको कुर्बान करोगे। अरब के लोग यही करते थे, हमारे बुजुर्गों में से भी बाजू की तारीख यह रही है कि इधर से कुर्बानी की उधर से दूसरे जानवर खरीद लिया और पूरे साल उसको पालेंगे और मोहब्बत के साथ पालेंगे। और आपको मालूम है जब घर में कुर्बानी के जानवर आता है तो हर आदमी उसके साथ मोहब्बत का रवैया करता है। जो कुर्बान जानवर, कुर्बानी के जानवर को लोग मोहब्बतों में तो ये सुरमा भी लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं, सफाई करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, क्योंकि अल्लाह के नाम पर ज़बह होने वाला है। तो जब पूरे साल इस जानवर को पालेंगे और पालने के बाद जब अगले दिन जब ज़बह करेंगे पूरा साल होने के बाद, तो कितनी मोहब्बतों के साथ उसको ज़बह करेंगे। हमारे बुजुर्गों में से हजरत मौलाना अनवर शाह साहब के उस्ताद, हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन, वो कुर्बान गाय खरीदते थे, पूरे साल पालते थे, पूरे साल पालते थे, और उसके बाद जब कुर्बानी के दिन आता था तो कुर्बानी अपने हाथ से ज़बह करने के बाद फिर आंखों में आंसू भी बहाते थे क्योंकि गाय को बड़ी मोहब्बत उनसे हो गई होती थी, उनको भी गाय से मोहब्बत होती थी और उनके साथ साथ चलती रहती थी गाय। और जहाँ वो जहाँ तक वो हदीस पढ़ाने के लिए आते थे तो गाय साथ आती थी और वह दरवाजे पर बैठती थी लेकिन गोबर नहीं करती थी उतनी देर जितनी देर ये हदीस का ज़बह पढ़ाएंगे। खैर, इस तरह से कुर्बानी मोहब्बतों के साथ जब इंसान करेगा तो और ज़्यादा अच्छी कुर्बानी होती है। कुर्बानी का फलसफा ये है कि इंसान हर वक्त अपने आप को तैयार रखे अपने जज्बात की कुर्बानी देने के लिए, अपने मफादात की कुर्बानी देने के लिए, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देने के लिए, अब टकराव के वक्त बर्दाश्त करने की कुर्बानी देने के लिए अल्लाह को। अगर ये मिजाज पैदा हो गया तो असली कुर्बानी की। किसी ने हमारा नुकसान किया, अब हम चाहें तो उसे बता दे सकते हैं, कुर्बानी का तकाज़ा है कि माफ़ कर दे। किसी ने हमारी बेइज्जती की, हम चाहें तो बता दे सकते हैं, कुर्बानी का तकाज़ा है कि हम बदला ना लें, माफ़ कर दें। नफ्स कह रहा है ये काम करो, चाहे दुकान पर बैठे हों चाहे ऑफिस में बैठे हों। ऑफिस में बैठा हुआ इंसान नफ्स से कह रहा है तुम इतना पैसा कमा सकते हो नंबर दो के जरिए, रिश्वत के जरिए, फ्रॉड करके उनके जरिए, तो फ्रॉड भी कर सकते हैं, रिश्वत दे सकते हैं, काम रोक सकते हैं, लोगों को धोखा दे करके पैसा ले सकते हैं, लेकिन कुर्बानी देनी है इन तमाम की और अल्लाह का हुक्म पूरा करना है। सेम इसी तरह से खुदा न खासा किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ कोई भी गुनाह, चाहे वो आंखों का हो, चाहे हाथ का हो, चाहे जिस्म के किसी दूसरे हिस्से का गुनाह हो, और वो गुनाह करने के लिए हमारे पास मौका है, मगर एक तरफ से नफ्स चाहता है गुनाह करो और मौका भी है, और दूसरी तरफ से अल्लाह का हुक्म है हमको नफ्स की कुर्बानी देनी है और अल्लाह का हुक्म पूरा करना है। यह समझिए इंसान की सारी ज़िंदगी कुर्बानियों की ज़िंदगी है। खुशियों को कुर्बान करना जब वो नाजायज़ बुनियाद पर हो, चाहतों को कुर्बान करना जब वो नाजायज़ बुनियाद पर हो, ख्वाहिशात को कुर्बान करना जब वो नाजायज़ बुनियाद पर हो, मफादात को कुर्बान करना जब नाजायज़ बुनियादों पर हो, और यह कुर्बानी आसान नहीं है, और जो इसमें कुर्बानी में कामयाब हो गया हकीकी कुर्बानी करने वाला वही है। अल्लाह ताला शानहु फरमाते हैं ए इब्राहिम जिस तरह से तूने अपने प्यारे बेटे को मेरे हुक्म की बिना पर ज़बह कर दिया, हालांकि हमें ज़बह नहीं होने दिया, और तुमने बहुत बड़े मुश्किल इम्तिहान को तुमने पास किया, मैं तुम्हें बहुत नवाजूंगा। आगे फरमाते हैं इन्ना कज़ालिक नज़्ज़ी मुस्लिम, जो इस रविश पर होगा उनके साथ भी मेरा रवैया यही होगा, यानी मैं जो तुम्हारे साथ कर रहा हूँ ये तुम्हारे साथ ही नहीं, इन्ना कज़ालिक नज़्ज़ी मुस्लिम, सबके साथ में यही कहूँगा। अबशरना बिगुलाम हलीम, मैंने बशारत दी थी तुम्हें बच्चे की, फिर मैंने उस बशारत के बाद फिर उसी बच्चे को ज़बह कराया, ज़बह करने के बाद तुमने ज़बह करने के लिए तुमने अपने आप को कुर्बान तैयार किया, और उसके बाद फिर मैंने तुमको ज़बह नहीं होने दिया, मुश्किल इम्तिहान को तुमने ज़रूर पास किया। अब मैं जो तुम्हारे साथ रवैया बरतूंगा वही रवैया मैं बरतूंगा उन तमाम के साथ
जो मेरे हुक्म को इसी तरह से पूरा करें कि एक तरफ से उनको दुनिया होगी, मफाद होगा, चाहत होगी, शौक होगा, चाह मफादात होंगे, ख्वाहिशात होंगी, और दूसरे तरफ मेरा हुक्म आएगा, तो मेरा हुक्म पूरा करें, उनको ज़बह कर, उनको कुर्बान करें। तो कहते हैं जानवर के गले पर छुरी चलाना बहुत आसान है और अपनी ख्वाहिशात पर ज़बह करना बहुत मुश्किल है। जानवर के गले पर छुरी चलाना आसान है लेकिन अपने मफादात पर छुरी चलाना बहुत मुश्किल है। जानवर के गले पर छुरी चलाना बहुत आसान है लेकिन किसी का पैसा हड़प किया और फिर वापस देना बहुत मुश्किल है। असल कुर्बानी ये है। अगर ये मिजाज पैदा हो गया तो समझिए हमने गोया कुर्बानी का हकीकी फ़ायदा उठा लिया। और इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे थोड़े तुम्हारा वो कुर्बानी भी तुम ही करो, गोश्त भी तुम ही खाओ। मैं तो असल में सिर्फ देखना चाहता था, मेरा हुक्म पूरा करने को तैयार हो। अब आज तुमने कुर्बानी की, मैं देखूंगा कल, मैं हुक्म दूंगा ये करो, मैं देखूंगा तुम करोगे, मेरा हुक्म पूरा ही है। एक तरफ से तुमको प्यारी चीज़ होगी, दूसरे से मेरा हुक्म आएगा, मैं देखूंगा तुम अपनी प्यारी चीज़ की रियायत करोगे या मेरा हुक्म पूरा करोगे। अगर ये मिजाज अल्लाह ने हमके अंदर पैदा किया तो समझिए कुर्बानी का फलसफा हमने हासिल कर लिया। अल्लाह हमारा मिजाज ऐसा ही बनाए, और ये हर इंसान के लिए है, हर मरहले में ये इम्तहान आता है। अल्लाह जल्ला शानहू हमको हकीकी कुर्बानी बनाने देने वाला बनाए, और जब मिजाज आएगा तो फिर अल्लाह की तरफ से सारी नेमतें नसीब होंगी। अल्लाह यकीन हम इस रविश पर चलने वालों के साथ अभी शुरू करेंगे।